हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, और इसी कड़ी में मैं आपके सामने लेके आया हूँ फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस पार्ट टू। पार्ट वन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। पिछले 4-5 दिनों से कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था आवश्यक कार्य की वजह से। अब प्रयास करूंगा कि रोज़ आपको एक वीडियो मिल जाए, और जल्द से जल्दी आपके जनवरी से लेके दिसंबर तक के जो है सारे डेज ट्रिक के साथ कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिन। सबसे पहले हम बात करेंगे 4 फरवरी कि 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। और स्टार्ट करते हैं 4 फरवरी, तो दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? चलिए, विश्व कैंसर दिवस। देखिए कैसे याद रखेंगे, जिस व्यक्ति को कैंसर हो जाता है ना, कैंसर, वो चार खाने चित्त हो जाता है। तो कैंसर से कैंसर दिवस, और चार से चार खाने चित्त हो जाता है। और चित्त होना मतलब फुर्र करके उड़ जाना, फुर्र करके, फुर यानी फरवरी। ऐसा माना जाता है कि अगर आप मिडिल फैमिली से हैं और आपको कैंसर हो गया है, और कैंसर की भी आखिरी स्टेज है, तो आपको मरना सुनिश्चित है, क्योंकि लाइलाज बीमारी है, इलाज भी होता है तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, तो हर कोई नहीं करवा पाता। तो याद हो जाएगा 4 फरवरी, चारों खाने चित्त हो जाता है और फुर्र करके उड़ जाता है। कौन? जिसको क्या हो जाता है? कैंसर। ठीक है, तो याद हो जाएगा कैंसर बराबर चार खाने चित्त बराबर फुर्र करके उड़ जाना। ठीक है, तो कैसे याद होगा? कैंसर होने पर चार खाने चित्त हो जाता है व्यक्ति, चारों खाने चित्त और फुर करके उड़ जाता है। तो 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, दूसरा क्या है? तो दूसरा है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति दिवस, 11 फरवरी। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? देखो, दीन का मतलब होता है गरीब आदमी, दीनदयाल मतलब गरीब आदमी। ठीक है, और 11 का मतलब होता है एक एक, एक पे 11, एक एक, तो एक नहीं हुआ, हो गया प्रत्येक। तो प्रत्येक यानी कि एक एक, प्रत्येक व्यक्ति को दीन यानी कि गरीब लोगों पर दया करनी चाहिए, दीन पर दया करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। ये प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मतलब 11, दीन यानी कि गरीब लोगों पर दया करना चाहिए, प्रत्येक मतलब 11। एक और एक, तो दो बार एक हो गया, तो एक एक क्या हो गया? प्रत्येक, एक प्लस एक बराबर प्रत्येक। संधि उच्छेद करते हैं बंदे, तो प्रत्येक का संधि उच्छेद क्या होता है? प्रतिधन एक या एक धन एक। तो प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? दीन यानी कि गरीब व्यक्ति, गरीब लोगों पर क्या करना चाहिए? दया करना चाहिए, दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति दिवस। ठीक है, याद हो जाएगा, एक बार रिविजन कर लेते। 4 फरवरी, तो चार से चार खाने चित्त होना, फर्र करके उड़ जाना। कौन चार कर खाने चित्त हो जाएगा? जो क्या रहेगा? जिसको कैंसर हो जाएगा। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। और दूसरा क्या है हमारा? दूसरा बड़ा था अपन ने 11 फरवरी, और 11 फरवरी को कौन सा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति दिवस। तो 11 में एक एक, प्रत्येक व्यक्ति को दीन या की यानी कि गरीब लोगों को दया करना चाहिए। अब देखो, दो जो है 12 फरवरी 14 फरवरी, एक्चुअली में 12 के बाद 13 आता है, लेकिन 14 लिखा है क्योंकि मैं इन दोनों को साथ याद करवाना चाह रहा था, और मुझे नहीं लगता कि इसकी किसी ट्रिक की आवश्यकता है, क्योंकि फरवरी का महीना पूरा जो है लवर्स के लिए होता है, बहुत सारे डेज आते हैं इसमें। और इसमें एक है आपका 12 फरवरी को रोज़ डे, गुलाब दिवस, और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे बताना चाहिए कि 12 फरवरी को रोज़ डे होता है, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है, तो ये आपको याद है। तो यहाँ किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर किसी प्रकार की ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। 12 फरवरी को रोज़ डे होता है और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है, ये लगभग सभी को पता होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 फरवरी, उसके बाद 11 फरवरी, फिर 12 फरवरी, फिर 14 फरवरी। चलिए फिर आ जाइए रेगुलर पे आपके 13 फरवरी। ठीक है, 13 फरवरी की बात करते हैं, तो 13 फरवरी को क्या है? तो 13 फरवरी को दो दिन है, एक तो विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। और ये राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है किसकी याद में? सरोजनी नायडू जयंती है। सरोजनी नायडू जो पहली राज्यपाल है हमारी भारत की, उत्तर प्रदेश की, तो उसकी जयंती की
सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो कैसे याद रखेंगे देखना। पूरे विश्व की महिलाएं रेडियो की तरह बोलती रहती है। देखो जनरली महिलाओं की बात हो रही है और विश्व की बात हो रही है, किसकी तरह बोलती है? रेडियो की तरह। महिलाएं अगर मिल जाती है तो चुप बैठ ही नहीं सकती, ऐसा कहावत भी है कि दो महिलाएं चुप बैठ सकती है ना। किसी ने बोला कि बताइए एक जोक सुनाओ जिस पे हंसी आ जाए, तो किसी ने सुनाया सबसे छोटा जोक कि दो महिलाएं चुपचाप बैठी है, तो ये भी एक जोक हो गया एक्चुअली में कि दो महिलाएं अगर बैठी है, दो लड़कियां बैठी है तो चुप बैठ ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो बात करेगी। तो पूरे विश्व की महिलाएं रेडियो की तरह बोलती रहती है, ठीक है। रेडियो बोलता रहता ना, कोई नहीं सुनता, ऐसे पूरे विश्व की महिला है, चाहे किसी भी धर्म जाति की हो, किसी भी देश की हो, किसी भी कॉन्टिनेंट की हो, किसी भी महाद्वीप की हो, कि रेडियो की तरह बोलती रहती है। जैसे रेडियो बंद नहीं होता ना, है ना, चलता रहता है रेडियो, कोई सुनता भी नहीं वैसे ही। और तेरा मेरा करती रहती है, तेरा मेरा, इसकी बुराई करी, उसका ये करा, ये करा, वो करा, इसने ये कपड़े पहने थे, इसने वो करे थे, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें। तो पूरे विश्व की महिलाएँ रेडियो की तरह बोलती रहती है और तेरा मेरा करती रहती है। तो देखो कैसे याद रखेंगे, तेरा, तेरह फरवरी की बात हो रही है, तो तेरह मतलब तेरह फरवरी, तेरह फरवरी, तेरह मेरा करती रहती है। कौन? महिलाएँ, ये जो महिलाएँ हैं ना, तेरह मेरी करती रहती है और इतना ज़्यादा बोलती है जितना कौन बोलता है? रेडियो। तो याद हो जाएगा आपको, पूरे विश्व की महिलाएँ तेरह मेरा करती रहती है और रेडियो की तरह बोलती रहती है। आगे बात करते हैं 21 फरवरी, और 21 फरवरी को जो हमारा महत्वपूर्ण दिवस हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो देखिए 21 घंटे फर्राटेदार मातृभाषा बोल सकता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है 21 घंटे फर्राटेदार मातृभाषा बोल सकता है ना। मातृभाषा का मतलब भी होता है जो मदर टंग, उसमें आपको किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, है ना। कोई भी व्यक्ति जो है 21 घंटे, 24 घंटे नहीं बोल रहा हूँ, 24 घंटे के भाई खाना पीना बहुत सारी चीज़ और भी होती है महत्वपूर्ण, तो कोई भी व्यक्ति 21 घंटे क्या कर सकता है? अपनी मातृभाषा को बोल सकता है। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो 24 घंटे भी आ सकता है, 18 घंटे भी आ सकता है, तो देखिए नहीं आएगा। 24 घंटे क्यों नहीं बोल सकते अपन की? 24 घंटे कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता, कहने की उसको थोड़ा नाश्ता पानी वगैरह कुछ ऐसा चाहिए रहेगा, तो 21 घंटे जम भी रहा है। देखिए थोड़ा सा कोऑपरेट करिए आप लोग, ट्रिक बनाना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है ऐसे टॉपिक की। तो 21 घंटे कोई भी व्यक्ति कैसे बोल सकता है? फर्राटेदार मातृभाषा बोल सकता है। ऐसे हमारी मातृभाषा क्या? हिंदी है, तो यार अपन भी बोल सकते हैं और कोई अनपढ़ व्यक्ति भी, वो भी हिंदी में बोल सकता है 21 घंटे, तो कोई बड़ी बात नहीं, बोलते हैं लोग, ठीक है। आगे बात करेंगे 24 फरवरी जो है यह है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। शुल्क लगना मतलब एक तरीके से फाइन भरना है बोल सकते हैं। तो देखिए 24 में आ रहा है 2 और 4, तो देखिए 2-4 रुपये का शुल्क, 2-4 रुपये का शुल्क हर कोई दे सकता है, है ना। कई अपन कोई बात करते हैं ना, जनरली बात बात में बात हो जाती है कि यार पैसे लोग नहीं देते, लोगों से पैसे नहीं छूटते, तो बोलते हैं अरे इतने तो कोई भी दे देगा, 2-4 रुपये का शुल्क तो हर कोई दे देगा। तो देखो 2-4 से क्या आ गया 24, और शुल्क मतलब केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, याद हो जाएगा आपको 2-4 रुपये का शुल्क तो कोई भी दे देगा, ठीक है। आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण 28 फरवरी, और 28 फरवरी को जो है आपका है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। तो देखिए 28 एक महीना होता है, 28 दिन का क्या होता है? महीना होता है, क्योंकि महीना 28 का भी होता है, 29 का भी होता है, 30 का भी होता है, 31 का भी होता है, ठीक है। तो 28 फरवरी तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो विज्ञान दिवस कॉलेज में पूरे महीने चला, विज्ञान दिवस कॉलेज में पूरे महीने चला। तो पूरा महीना मतलब आपको पता ना, सामान्य ईयर में फरवरी 28 की होती है, फिर लीप ईयर में 29 की होती है, तो फरवरी 28 की होती है, तो एक महीने में 28 दिन भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 होते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो विज्ञान दिवस कहाँ चलेगा? अब विज्ञान पढ़ाई से संबंधित है, है ना, तो ये स्कूल में चलेगी, कॉलेज में चलेगी, तो विज्ञान कॉलेज, विज्ञान दिवस कॉलेज में पूरे महीने चला, तो पूरे महीने से आपके याद रहेगा 28 फरवरी, ठीक है। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा 4 फरवरी, 4 फरवरी में 4 आ रहा है तो 4 खाने चित्त, और फर में आ रहा है फुर, 4 खाने चित्त होके फुर करके उड़ जाओ, कब उड़ जाओ? जब आपको क्या हो जाए? कैंसर हो जाए, ठीक है। कैंसर जानलेवा बीमारी है, गरीब आदमी इसका इलाज नहीं कर पाता, बड़े लोग करवा पाते, वो भी विदेश जाके गंजे अंजे हो जाते हैं उसमें। तो 4 फरवरी तो 4 खाने चित्त होना, कब? जब आपको कैंसर हो जाए। दूसरा 11 फरवरी, तो 11 में क्या आ रहा है? एक एक, और एक एक का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरीबों की मदद करना चाहिए, और गरीब मतलब दीन, दीन दयाल, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति दिवस 11 फरवरी। इसके बाद आएगा आपका 12 फरवरी, याद नहीं करना है, रोज़ डे है। 14 फरवरी ये भी याद नहीं करना है, वैलेंटाइन डे है। उसके बाद आ जाएगा आपका 13 फरवरी, और 13 फरवरी में आपके 2 दिन हैं,
दो दिवस, विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, पूरे विश्व की महिलाएं रेडियो की तरह जो है क्या करती है, बोलती रहती है, तेरा मेरा करती रहती है। तो तेरा मतलब 13 फरवरी, तेरा मेरा कौन करती है, महिलाएं मतलब राष्ट्रीय महिला दिवस, और रेडियो की तरह बोलती है मतलब विश्व रेडियो दिवस। उसके बाद आएगा आपका 21 फरवरी, 21 फरवरी कोई व्यक्ति 21 घंटे क्या हो सकता है, मातृभाषा को बोल सकता है, तो 21 घंटे फराठी तरह मातृभाषा बोल सकता है मतलब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। उसके बाद आएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है 24 फरवरी, और 24 फरवरी का मतलब होता है दो चार मतलब 2-4 रुपये हर कोई शुल्क दे सकता है। आखिरी है 28 फरवरी, ये है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28, तो विज्ञान दिवस कॉलेज में पूरे महीने चला और महीने को क्या बोलते हैं फरवरी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, बड़ी मुश्किल से ये ट्रिकें बना रहा हूँ क्योंकि कोई छोटा मोटा काम नहीं है हर महीने की ट्रिक बनाना। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। नए वीडियो के साथ जल्द ही जो है आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।